नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक तस्वीर जो सच की तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को जब पुलिस प्रशासन बढ़ी, जब तमाम मीडिया कर्मी आकर के यहां से दिखाने की कोशिश करने लगे, कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि किसानों की आखिरी रात होगी, दबाव बढ़ा। जब उत्तर प्रदेश के SP और DM आकर के टिकैत साहब से बातचीत हुई, टिकैत साहब से कुछ बात किया, उसके बाद टिकैत साहब के आंसू निकल आए। एक बहुत अच्छा शेर है मुनव्वर राणा का कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंसुओं को समंदर हो जाना। तो कल पूरी जो पटकथा थी वो टिकैत के आंसू निकलने के बाद पूरी नई पटकथा लिखी जाने लगी और हर तरफ से किसानों का समर्थन टिकैत को मिलना शुरू हुआ। राकेश टिकैत के साथ यहाँ हर गांव से लोगों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि टिकैत साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। रातों रात कई 100 ट्रैक्टर वहां से कूच करना शुरू कर दिए। सुबह होते होते, सुबह भी नहीं हुआ था, 2-3 बज रहे थे, श्यामली से, मुजफ्फरनगर से कई लोग यहाँ आ गए थे। कल टिकैत साहब ने कहा था कि मैं पानी पीऊँ, अब मैं अनशन कर रहा हूं, अब मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। जिस तरीके से सरकार परेशान कर रही है, हम पानी भी नहीं पिएंगे। शौचालय हटा दिए गए थे, बिजली काट दी गई थी। हालांकि जब दबाव बढ़ा, जब किसान सब जगह से यहां आके जुटने लगे, तो बिजली भी बहाल कर दी गई और पानी की व्यवस्था कर दी गई। सुबह सुबह हमने, महाखबर ने आपको ये भी दिखाया कि टिकैत साहब, राकेश टिकैत के घर से पानी आया है, अब अनशन तोड़ेंगे राकेश टिकैत। हालांकि अनशन तोड़ दिया है, अभी ये खबर नहीं आई है, वो भी हम आपको अवगत कराएंगे। अब आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मंच दिखाइए दिनेश जी, किस तरीके से सुरगुजार है, किस तरीके से खूबसूरती से मंच सजा है। मंच से ये ऐलान भी किया जा रहा है कि किसी भी पत्रकार जगत के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत व्यवहार न किया जाए, हमारे सभी मित्र हैं। कल एक वीडियो जब टिकैत, राकेश टिकैत की आंसू छलकते हुए जब वायरल हुआ था, तब अचानक से सब तरफ से समर्थन मिलना शुरू हुआ और लोगों का हुजूम यहां जुटने लगा। हमारे यहां कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रवि चौधरी है। रवि चौधरी जी, कल प्रशासन जिस तरीके से फ्रंट फुट पे एक्ट कर रही थी, लग रहा था कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब हालांकि कई बड़े चैनलों ने ये कहा भी कि आखिरी रात होगी, लेकिन अब क्या, अब तो सुबह हो गई। ये जो चैनल जिन्होंने कहा था ना आखिरी रात होगी, उन्हें उम्मीद ही ये थी, वो तो पहले दिन से यही उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए, किसी भी तरह से खत्म करें। एक्चुअली गोदी मीडिया है, मीडिया का रोल नहीं प्ले कर रही है ये। इन्होंने ये तो नहीं दिखाया कि 170 से ज़्यादा किसान मर गए, इन्होंने ये नहीं दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने आंसू गैस बजाए थे हमारे ऊपर, इन्होंने ये नहीं दिखाया था कि पुलिस ने कैसे कायरता से छुपकर ऊपर आंसू गैस गोले छोड़े, कुछ नहीं दिखाया। लेकिन जब सरकार अपना काम करके वापस एक्शन में आ गई, आंदोलन को तोड़ने का इनके पास लास्ट हथियार था उसको सांप्रदायिक रंग देने का, इन्होंने वो भी दिया, जो कि सरकार का एक हथियार है सिर्फ, वो भी चलाया। अच्छा रवि जी, आपने कहा कि पुलिस लगातार आप लोगों पे अतिक्रमण कर रही थी, आंदोलन को दबाना चाहती थी, लेकिन एक चीज तो ये मानेंगे ना कि जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो लाल किले के सम्मान में तिरंगा हटा के तिरंगा लगाने की बात हुई, वो तो मानेंगे ना। देखिए, मैं दो बात है भाई, एक तो तिरंगा हटाया नहीं किसी ने भी, तिरंगा जहां था वहीं लगा हुआ था। दूसरा, जो निशान साहब लगाया, उसे लगाने में भी किसान नहीं था। जिस बंदे ने निशान साहब लगाया, जिसने वहां पर कमेटी को लेकर जो आगे चला, उसका खुलासा सारे में हो चुका है, सोशल मीडिया पर भी हो चुका है, नेशनल चैनल्स पर भी हो चुका है। लेकिन उससे आगे की बात यह है, सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? हम तो क्लियर कह रहे हैं भाई, जिसने इस तरह काम करा उसको उठाओ, फांसी पर लटका दो। लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई न करने के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। वो अपने आंदोलन को, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, बजाय उस जो गंदा काम करा गया उसको उठाने के, क्योंकि इसका काम ही है सरकार का। JNU में जब नारे लगे भारत के खिलाफ, इन्होंने वो नहीं पकड़ा, कोई और पकड़ लिया। जब गोली चलाता है कोई आकर आंदोलन के बीच में, ये उसको बचा लेते हैं। आज हमारे आंदोलन के बीच में किसी ने ऊपर चढ़कर झंडा लगाया, जो सबके सामने आया किसने करा, ये उसको बचाकर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई, नीच सरकार है, ये इस आंदोलन से डरी हुई ये सरकार है। तो वो आप जो कह रहे हैं गोली चलाया, मुझे भी वो प्रकरण याद है, गोपाल भक्त गोपाल, तो वो तो उसको बाद में बताया गया कि भटका हुआ नौजवान था। हाँ, इनके सारे भटके हुए नौजवान है इनका। देखिए, आप JNU ले लीजिए, वहाँ पर एक अंदर बढ़कर मारपीट करते हैं तो वो उनके भटके हुए नौजवान है। जिस आप गोपाल भक्त की बात कर रहे हैं, वो उनका भटका हुआ नौजवान है। जिसने झंडा लगाया चढ़कर, ये भी इनका नौजवान भटका हुआ। इनके क्यों होते हैं लोग? अब किसान आंदोलन पे बात करें, क्या लगता है, क्या बातचीत तो सरकार ने बंद कर दी है, अब क्या आगे बढ़ेगा? देखिए, हल तो बातचीत से ही निकलेगा।
लेकिन बातचीत में इतना जरूरी है कि जो तीनों बिल है और जो एमएसपी की मांग है, हमारे नेताजी टिकैत जी भी कह चुके हैं कि ये तीनों काले कानून वापस होंगे, लिखित में एमएसपी लेंगे। आंदोलन तो चलता रहेगा, आंदोलन में कोई चेंज नहीं आना है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, वो चलता रहता है। जरा कल थोड़ा उतार आया था, आज उतना चढ़ाव आ जाएगा, लेकिन आंदोलन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये मैं पक्का कर रहा हूँ आपसे। तो क्या सरकार को डराने की कोशिश हो रही है? भाई सरकार को हम क्यों डराएंगे? हमारी सरकार से दुश्मनी थोड़ी है, ये हमारे किसी व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी किसी से। एक मांग है, एक हक है, एक अधिकार है, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और आप यकीन माने 66 दिन में एक भी जगह छोटी सी भी किसी ने हिंसा करी होता मुझे बताए ना। एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है भाई। अगर हमें कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, हमारा हनन हो रहा है, उसके लिए अनशन पर बैठना, धरने पर बैठना हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कानून नहीं तोड़ा जा रहा है। एक मांग मांगी जा रही है, अपना अधिकार मांगा जा रहा है, जो बराबर जारी रहेगा। कल आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार, गांव विजयपुर है। मिर्जापुर भोजन के पास, जयपुर। अच्छा एक बात बताइए, कल जो लोकल लोग आ गए थे, लगातार सब बड़े चैनल ने दिखाने की कोशिश की कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, वो आपको हटने के लिए यहाँ से जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। हम लोग परेड करके सुख शांति से अपने घर चले गए थे। टिकाव साहब ने कहा जी भैया घर का काम देखो, धरना तो जैसा भी चलाओगे सो भी चलाओगे, शांति ढंग से शांति प्रिय है हम, धरना आराम से चलाओगे, 10 बैठे जब बात है 100 बैठे वहाँ, सुख शांति से घर भेज दिए थे। टिकाव साहब ने चले गए अपने काम हिल्ला कर रहे थे खेतों में, अब पुलिस ने जो बहाना मिल गया किसान ऐसे चले गए, इन्होंने जब मिलिट्री की फोर्स वोर्स बुलाकर सोची धरने ने कुचल दो, जो भी आदमी आए थे हाथ में डंडे थे बीजेपी के थे, वे दो विधायक बता रहे हैं, वे दो विधायक थे बीजेपी के थे, वे भी सोच रहे उन्होंने भगा दो। किसने बताया आपको कि भाजपा के दो विधायक थे? अरे खड़े रहते हमारे यहाँ डंडे पंडे दे रहे थे। मेरे बराबर में ये लोनी, अलोनी से वो नंदकिशोर गुजरता विधायक, लोनी का विधायक था। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अतुल यादव है। आप रात में, आप थे रात में? मैं रात में था, मैंने स्टेटस भी डाला है, रात को 12-1 बजे गया हूँ मैं। भाजपा के विधायक थे? हाँ भाजपा के विधायक। देखिए आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, देखे भाई वो हमने देखे यार, वो भाजपा के विधायक लाठी डंडों के साथ, लाठी डंडे सब चीज उनके पास। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आंदोलन को, अरे नोएडा के खुल के कह रहे हैं हम पड़ोसी हैं उनके, जो विधायक थे उनके पड़ोसी हैं, ये बता रहे हैं कि विधायक के पड़ोसी हैं। और भाजपा के लोग लगातार चाह रहे थे कि कैसे भी आंदोलन खत्म हो जाए। कल विधायक खुद, हालांकि राकेश टिकैत ने भी कहा था कि हमारे किसानों की जिम्मेदारी है, मैं समर्पण नहीं करूंगा क्योंकि भाजपा के लोग आ गए हैं लाठी डंडों के साथ। आज हमारे साथ एक नोएडा से आए हुए मित्र भाई हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक थे यहाँ, आप कल रात यहाँ मौजूद थे, और क्या क्या हो रहा था, क्या गहमा गहमी थी? ये मनोबल तोड़ा जा रहा है किसानों का कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब तुम देशद्रोही हो, इस तरीके की बातें करके। अरे अन्नदाता से बड़ा देश, अन्नदाता से बड़ा देशभक्त कौन हो सके यार? अन्नदाता पे जिम्मेदारी देखो कितनी बड़ी है भाई। हमें किसानों को देश का पेट भी भरना है, खेती भी करनी है, और अपना हक भी मांगना है, दोनों चीज करनी है किसानों पे। ये सारी जिम्मेदारी है देश की। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, जो देश की जनता है, आप खुद फैक्ट चेक करें। इस जो 26 तारीख को जो कृतज्ञ हुआ, उपद्रव हुआ, उससे फायदा किसका है? भाजपा सरकार का है सिर्फ। अरे तो किसानों का तो नुकसान है, किसान अपना नुकसान स्वयं क्यों करेगा? एक छोटा बच्चा भी अपना नुकसान नहीं कर सकता, तो किसान क्यों अपना नुकसान करेगा? ये छोटी सी बात है, भाजपा की षड्यंत्र है। पहले दुनिया भर की खबर चलाई कि इस तरीके के किसान ये पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, गाड़ी निभा रहे हैं। पहले इन चीजों से बात नहीं बनी, तो अब तिरंगे का अपमान कर दिया। जिन लोगों के लिए फौजी मायने रखते हैं, वो तिरंगे के अपमान करा सकती है सरकार। हाँ, कहा गया कि तिरंगे की आड़ में तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। बीजेपी अब यही तो बात है, लोगों की सिंपति किसानों के साथ जुड़ रही थी। आप ये समझिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश किसान सब जगह के लोग थे, मगर पूरे भारत की सिंपति थी किसानों के साथ, ठीक है? अब सरकार को समझ में आ गया, पहले सिंपति तोड़ो, जब किसान तोड़े जाएंगे। सिंपति तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? तिरंगा, भारत देश का तिरंगा। 90 सेकंड की वीडियो से सिंपति टूट गई, 90 सेकंड की वीडियो से सिंपति टूट गई सारे देश के किसानों से। तो ये आईएएस अधिकारियों का दिमाग था, किसानों के पास इतना दिमाग तो है नहीं, किसान तो सूधे साधे लोग हैं।
जो एक नाका मिला खुला उधर की तरफ चल दिए और आगे बीजेपी के एजेंट हो गए और अपना कर्तव्य वहां कर दिया। तो ये सारी प्लानिंग है। देखिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी LLB कर रहा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा वर्ग समझ जाएगा, ये सारी प्री प्लानिंग है किस तरीके से किस क्या करा जा रहा है, सिंपति तोड़ने के लिए क्या करा गया है, ये एक तरीका था बस। कल गहमा गहमी बढ़ गई थी, लग रहा था कि गिरफ्तारी हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या अगर गिरफ्तारी होती तो आंदोलन खत्म हो जाता, आपको क्या लगता है? आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, आंदोलन और मजबूत होगा, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। और देखिए ट्रैक्टर रैली के लिए सभी लोग आए थे अपने अपने ट्रैक्टर लेके, अब उन ट्रैक्टरों का काम है कि वहां के देश का पेट पालने के लिए खेती करनी है उन ट्रैक्टरों को, इसलिए ट्रैक्टर वापस भेजे हैं। जब अगर कभी राकेश टिकैत जी का कभी और आदेश होगा किसी रैली या किसी चीज के लिए, वो ट्रैक्टर तो फिर आ जाएंगे, ट्रैक्टर की कोई दिक्कत ना है और ट्रैक्टर फिर आ रहे हैं। मगर हमें जिम्मेदारी भी, देखो किसान बेचारा कितना मजबूर है, उसे देश का पेट भी तो भरना है, खेती भी तो किसान को करनी है। आप ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, मीडिया के तमाम भोपू जो चैनल है वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर आपका हथियार है, इस पर क्या कहेंगे? तो हमारा हल और ट्रैक्टर तो किसान के हमेशा से ही हथियार रहे हैं। हथियार समझो ना किस चीज में, देश का पेट पालने के लिए हथियार है वो। उसको आपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया गणतंत्र? नहीं नहीं नहीं, 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 ये गलत बात है, यही तो गलत है, यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, यही तो गोदी मीडिया का षड्यंत्र है। 2 लाख ट्रैक्टर आए, कितने पहुंचे लाल किले पे बताओ आप, कितने पहुंचे? और जो पहुंचे उन्होंने कितना नुकसान करा लाल किले का? नहीं करा ना। कुछ लोगों की मानसिकता थी वो बाइक पे पहुंचे यार, उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं थे, कुछ ट्रैक्टर वाले भी थे वो भटक गए थे, कुछ लोग जो सही किसान थे और उनके जो जत्थे के साथ किसान थे वो वहां पहुंचे। हमें क्या बताया बीजेपी? तो ये साफ साफ कहना है कि ट्रैक्टर 2 लाख उस दिन गणतंत्र दिवस के दिन 2 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में थे, क्या 2 लाख ट्रैक्टर वहां लाल किले पर पहुंच गए थे? ये सोची समझी साजिश है किसान आंदोलन को जोर करने के लिए। वैसे तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहे हैं महा खबर के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं Facebook पेज को लाइक करें, बने रहें महा खबर के साथ, धन्यवाद।